सर, राजू राय जी, फिल्म के प्रोड्यूसर सुमन जी और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह आज फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिस सर सेंटर में देखिए इस भजन पूजन के साथ, तो मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस फिल्म को जो है अच्छी तरह कम्प्लीट करे और अच्छी तरह बन के दर्शकों के सामने आए। राम लखन भजन जी में आप क्या हैं? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है और इनविटेशन था तो मैं आ गया, बाकी देखते हैं क्या फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म में भी कोई किरदार होगा आपका? नहीं फिलहाल इस मैं बता ना कि मैं तो एक इनविटेशन था और तो मैं आ गया, बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आगे क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर। तो आने वाली मूवी उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी इस लॉकडाउन के बाद जब ये बंद गई है, लेकिन जो फिल्मों का रिलीजिंग का सिलसिला जो है बहुत काफी स्लो है, तो फिल्में तो बहुत सारी है, पाइप लाइन जब तक 2025 है, बड़ी बड़ी फिल्में अच्छी अच्छी फिल्में हैं, बस ये कि प्रॉपर अभी सिंगल स्क्रीन ओपन हो जाए और कभी लॉकडाउन का भी लगा रहता है कि लगेगा नहीं लगेगा तो उससे भी संशय में रहता है। फिर बहुत सारी है जो को अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आज मिलन की राज नेशनल यादव जी रूपाली जी शहबाज खान में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, म्यूजिकल फिल्म पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होगी। अयाज खान जी ने अपना लुक चेंज कर दिया, कैसे कैसा लगा जाए? और अभी फिल्म कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सारी उसमें कैसा लुक था तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेयर को कट किया और थोड़ा सा कलरफुल किया, तो वैसे एक रोल का डिमांड करता आता है। अयाज भाई, अयाज भाई इस सिनेमा में तीन हीरो नजर आ रहे हैं, प्रिंस भाई हैं, आदित्य भाई हैं, देव सिंह हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीनों यंग हैं, टैलेंटेड हैं और आज जो दौर है न्यू जनरेशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। हमारे डॉक्टर आज बोलते हैं तीनों यंग, हम क्या बुढ़े हैं? भैया बात यहाँ हीरो की कर रहे थे कि हीरो क्या बात है, और जो है हीरो को दबा के रखूं बिल्कुल नंबर है ब्रिज भैया सही है, बहुत एक अहम किरदार कर रहे हैं और उनकी ये आवाज़ तो जैसे कह सकते हैं मनीष जी की आवाज़ का एक पहचान है, तो हमारे ब्रिज भैया का भी आवाज़ वो जादू है, वो बेस है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अब देखिए चार हीरो दो हीरोइन, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, राइटर बता पाएंगे, फिल्म के प्रोड्यूसर बता पाएंगे कि भाई चार और दो कॉम्बिनेशन क्या है। मेरी तरफ से उन दोनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामल जी के साथ मैं शायद काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश आदमी को करते रहना चाहिए और किस्मत डेस्टिनी संजोग इसको बोलते हैं। आपके जूनियर हैं गिरीश शर्मा जी, उससे कभी डर लगता आपको? नहीं सीनियर नहीं बोल सकते हैं, सीनियर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका उम्र 20 साल है। पत्रकार को पूछ लीजिए, नहीं गिरीश भैया का उम्र 20 साल, हाँ नहीं गिरीश भैया का उम्र 20 साल नहीं है, गिरीश भैया 20 साल के लगते हैं। क्या बात है, मैं खुश हो गया यार, 18 साल के तो दोनों के पर्दे के साथ में कभी होते हैं तो क्या कुछ हो रहा है? मैं और गिरीश भैया, मैं और गिरीश भैया रहते हैं तो गिरीश भैया की डायलॉग को बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं और मेरे बगल में ही बैठ जाते हैं, पढ़ाते भाई पढ़ो अगर हमारे कान पे क्यों पढ़ रहे हैं तो हम लोग साथ जब सीन करते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं और नो डाउट गिरीश भैया बहुत ही जोली और मतलब हंसमुख पर्सन और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ उनकी खासियत है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। आज इतने सालों से हैं और इतने तरोताजा हैं, इतना मतलब 80 तो नहीं 60 के करीब हो गए लेकिन 20 से लगते हैं, तो ये ईश्वर और अल्लाह की कृपा है। आज हमारी फिल्म का मुहूर्त भी है और एक दुखद खबर है, जितने दुखद का निधन हो गया, कुछ कहेंगे? जी 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 पता लगा जी का निधन हो गया, उनसे कहते हैं कि किसका, तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारी इंडस्ट्री के लिए बनाई थी और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूँगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.